मुरादाबाद उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से एड्स को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मुरादाबाद जिला अस्पताल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सूचना विभाग एवं जनसंपर्क विभाग में रजिस्टर्ड नवजाति नृत्य नाट्य संस्था की ओर से आज जिला अस्पताल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। एड्स के बचाव और एड्स के लक्षण के बारे में लोगों को नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। एड्स के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि मुरादाबाद में HIV संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके प्रति लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। मुरादाबाद से मनोज कश्यप, लाइव अभी तक। शौचालय दो ना दो, हमारे प्रधानी तो बहुत बढ़िया है, मैं शौचालय भी दे दो। अच्छा, और तुम्हारा भैया बनो ना है शौचालय? भाई बात चल रही है प्रधान जी से बनने, तब तुम्हारी बात ही चलत रहेगी, क्योंकि तुम खेत पे लोटा लेके चल देते हो रोज खुले में। अरे भैया राम राम भैया, अरे राम राम भैया, राम राम भैया से कैसी बड़ा फैली हुई है बातें, कैसी शौचालय चली बातें कर रहा, तमाम लोग एकत्रित कर रहे हैं भाई, क्या बात है भाई? देखो हमारा तो शौचालय बन गए, हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ हमारे घर की जितनी महिलाएं हैं वो भी भैया खुले में शौच मुक्त हो चुकी है, हमारा गाँव भी खुले में शौच मुक्त हो गया भाई, तो सब लोग खुले में, हमारे घर की महिलाएं यानी हमारे घर की इज्जत जो है वो हमारे घर की घर में ही है। तो भैया हमारे घर की कोई महिला खुले में शौच को नहीं आती, जो कि भाई कोई डोगे घड़ी से अंदेखी हो जाए ऐसी कोई। मेरा नाम हरजीत कौर है। मैं क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये HIV का जो संक्रमण इस बुरी तरीके से हमारे मुरादाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। बहुत से लोग इस जानकारी को समझते तो हैं, लेकिन उसे ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक ही कारण समझते हैं, लेकिन इसके चार कारण होते हैं और चार ही इसके उपाय होते हैं। और लोग ज़्यादातर पहला ही कारण समझते हैं कि हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तभी हमें HIV का रोग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। HIV चार प्रकार से होता है और चार ही इसके कारण हैं, चार ही इसके निवारण हैं। पहला कारण ये है कि किसी भी HIV संक्रमित महिला या पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, और दूसरा कारण है संक्रमित सुई, किसी भी HIV संक्रमित सुई या सिरिंज के साझा प्रयोग से, और तीसरा कारण है किसी भी HIV संक्रमित ब्लड या उसके उत्पाद चढ़ाए जाने से, और चौथा कारण है किसी भी HIV संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को। ये चार कारण हैं, तो चार ही इसके उपाय हैं। सबसे पहला है कि सबक, हमें सबक लेना चाहिए, सा से संयम, बा से वफादारी, और हमारा संयम और वफादारी यानी पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहें, और अगर बाहर जाकर के किसी की वफादारी टूटती है या संयम टूटता है तो हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। और दूसरा ये साझा सुई, साझा सुई कहते हैं कि जैसे कि ग्रुप वाइज जो हम एक दूसरे को, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं एक दूसरे के में यूज़ करते हैं, दूसरे ग्रुप वाइज सुई का यूज़ करते हैं, सिरिंज का यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि आप मेले दशहरों में जाते हैं, देखते हैं लोग गुदाई करवाते हैं, अपना नाम वगैरह लिखवा लेते हैं, टैटू वगैरह बनवाते हैं, तो उससे भी ये इस संक्रमण का बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल जाता है, इससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है HIV के वायरस का। और चौथा कारण गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को, जैसे ही गर्भ का पता चले, हमारे घर में जैसे भी किसी भी महिला जो गर्भवती है जो गर्भधारण करे, तो उस महिला का तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर के PPTCT केंद्र में जाकर के महिला की HIV की जांच जरूर करवाएं, जिससे कि उसके होने वाले बच्चे को HIV से बचाया जा सके, उस वायरस से बचाया जा सके, ताकि उसका जो प्रसव है वो डॉक्टरों की देखरेख में होगा तो संस्थागत होगा, तो उस बच्चे को उस वायरस से बचाया जा सकता है, क्योंकि उसका पहले ही पता चल जाएगा। ये जानकारी हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और जितना इस चीज़ से लोग जागरूक होंगे उतना ही अच्छा है। बाकी और कोई कारण नहीं है, बाकी सब भ्रांतियाँ हैं कि लोग छूने से, ऐसा कुछ नहीं है, छुआछूत से ये बीमारी, इससे बीमारी तो है ही नहीं, पहली बात तो ये एक संक्रमण है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इंसान का जो वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसे भूख नहीं लगती है, उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, गुप्तांगों में दाने जैसे छाले जैसे हो जाते हैं, और आप देखिए उसे लगातार दस्त होने लगेंगे, ठीक है, बुखार चढ़ता उतरता रहेगा। तो ये इसके लक्षण हैं, ये छूने से या हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, एक शौचालय का प्रयोग करने से, साथ में सोने से, एक दूसरे के तौलिए का यूज़ करने से नहीं होता, इसका संबंध सिर्फ ब्लड से होता है यानी खून से होता है, बस उसी का हमें बचाव करना चाहिए और इसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए।